परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ है फिजिक्स लव चैनल और SFIC एकेडमी इन मोहन गार्डन। बार बार क्लास 12th के स्टूडेंट्स हमें मैसेज कर रहे हैं, बहुत परेशान है कि सर हमारे फाइनल बोर्ड एग्जाम के जो प्रैक्टिकल्स हैं फिजिक्स के, वो डेट आ गई हैं, होने वाले हैं, या कुछ स्कूलों में हो भी गए हैं। चलिए, जिनमें हो गए हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बट जिनमें होने वाले हैं उनके लिए हम थोड़ी सी हेल्प जरूर करेंगे। अगर आपने इस पे थोड़ा सा फोकस किया तो आपको इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, विद इन 2 or 4 मिनट्स आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। सो देखिए, हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो है सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में टोटल 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं और सेक्शन बी में भी 4 एक्सपेरिमेंट है। हमें सेक्शन ए में से फिजिक्स प्रैक्टिकल में कोई भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और सेक्शन बी से भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। साथ में 2023 में इस बार CBSE ने एक एक्टिविटी भी लिखने के लिए उसमें मैंडेटरी कर दी है। तो अभी जो वीडियो हम बना रहे हैं इसका मेन पर्पज है वाइवा, कैसे वाइवा से डील करें, क्योंकि वाइवा का ही डर है जो हमें सता रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपने तैयार करना है, भरोसा रखिए। देखिए, सेक्शन ए में टोटल 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिसमें से 3 एक्सपेरिमेंट पे अगर आप ध्यान दें, जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ओम्स लॉ, जिसमें हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट है मीटर ब्रिज, उसमें हम रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर और या फिर आप सीरीज और पैरेलल कर सकते हैं, जिसे हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ ओम्स लॉ, सेकंड एक्सपेरिमेंट हुआ मीटर ब्रिज और थर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ मीटर ब्रिज में कॉम्बिनेशन। ये तीनों एक्सपेरिमेंट कौन से चैप्टर से, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। तो मेरे भाई, तीनों जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो तीनों एक्सपेरिमेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी से हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया ना, तो ये सोच लो कि 3 एक्सपेरिमेंट में से अगर एग्जामिनर वाइवा लेगा तो आप कोई भी जवाब ऐसा नहीं है जो छोड़ दोगे। ठीक है, ओम स्लो अच्छे से पढ़ लो, व्हीटस्टोन ब्रिज अच्छे से पढ़ लो, मीटर ब्रिज अच्छे से पढ़ लो। और जैसे मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है कि मैंगनीन वायर क्यों यूज करते हैं या हम कौन सा वायर उसमें यूज करते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस, रेजिस्टिविटी के ग्राफ, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, यूनिट्स याद कर लीजिए सबकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन याद कर लीजिए। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो 3 एक्सपेरिमेंट्स के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट पे आ जाऊं अगर सेक्शन ए के, तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है चैप्टर नंबर 4 से। इसमें मेन जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा, टॉपिक से आपको क्या पढ़ना है, आपको टॉपिक पढ़ना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर, करंट सेंसिटिविटी, और साथ में पढ़ना है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाओ, ये वाला भी आपका वाइवा बिंदास जाएगा। अब इसके बाद आ गया सेक्शन बी के एक्सपेरिमेंट। इसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान से सोच लो, थोड़ा सा माइंड पे स्ट्रेस डालना है, अपने आप को लॉजिकल बनाना है। ठीक है ना, गधों की तरह या हार्ड वर्क हमें नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। यू आर स्मार्ट, आप आज 21वीं सदी के स्मार्ट बच्चे हैं। तो देखिए कैसे करना है हमें काम। तो आपने देखना है रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के अंदर से ही आपके कम से कम 3 एक्सपेरिमेंट बनते हैं। कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कॉनकेव हो गया, मिरर हो गया, है ना, तो वो कॉम्बिनेशन हो गया लेंस का। तो इस तरीके से आप अगर रे ऑप्टिक्स अच्छे से करके जा रहे हैं, लेंस मेकर्स फार्मूला अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं, लेंस फार्मूला पढ़ के जा रहे हैं और प्रिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ के जा रहे हैं, एक प्रिज्म भी है आपका, प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म फार्मूला, थिन प्रिज्म फार्मूला, ये सब अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं तो आपके 3 एक्सपेरिमेंट तो ये आराम से हो जाएंगे। प्रिज्म का हो जाएगा वाइवा, लेंस का हो जाएगा, मिरर का हो जाएगा, तो इस वाइवा में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और फोर्थ एक्सपेरिमेंट आपका है फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग सेमीकंडक्टर चैप्टर में। टॉपिक ही कितने हैं इस बार, टॉपिक ही बहुत कम है। आपने बस क्या करना है, डायोड पढ़ना है, फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग पढ़नी है और साथ में एक रेक्टिफायर पढ़ लेना है, मतलब सेमीकंडक्टर चैप्टर। तो कुल मिला के ये हुआ कि अगर वाइवा देना है बिल्कुल जबरदस्त तो आपने पढ़ने मेन फोकस करना है कुछ चैप्टर्स पे। वो चैप्टर क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तीसरा रे ऑप्टिक्स और फोर्थ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। करना तो सब कुछ है लेकिन ये जो 4 चैप्टर हैं इस पर स्पेशल फोकस करिए, स्पेशल फोकस, दे नीड योर स्पेशल अटेंशन। ठीक है, और साथ में सुनिए ध्यान से, अगर आपने अपना कोई प्रोजेक्ट बनाया है इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, तो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के एप्लीकेशंस को जरूर पढ़ना है आपने। एप्लीकेशंस किस एप्लीकेशन पे बेस्ड है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, फ्यूचर में हम उसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटी फाइल पर एक बार नज़र रखनी है।
तो मतलब कुल मिला के ये है कि वाइवा के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। और अगर आप बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं तो लैब मैनुअल आपके पास होगी। लैब मैनुअल में जो ये 8 एक्सपेरिमेंट्स हैं, जिसमें से 4 एक्सपेरिमेंट के कॉमन ही क्वेश्चन होते हैं, है ना, मीटर ब्रिज में आता है कि बैक एंड एरर क्या होती है, कि जो रीडिंग है वो आउट ऑफ द स्केल क्यों चली जाती है, या वन साइडेड डिफ्लेक्शन क्यों आ रही है, तो ये सब देख लेना आपने। अगर आपको ये कंटेंट थोड़ा सा भी ठीक लगे ना तो मुझे बताना, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या क्या मिस्टेक होती है, किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं मीटर ब्रिज में, ओम्स लॉ में, पीएन जंक्शन में, फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग में, क्या क्या वो मेन क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकती है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मिलजुल के साथ में करेंगे तैयारी बोर्ड एग्जाम्स की, ठीक है। तो फिजिक्स लव चैनल से जुड़े रहें, SFIC अकेडमी इन मोहन गार्डन से जुड़े रहें। मैं ललित गौतम, आपका अपना साथी फिजिक्स लव, बाय।